नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हमारा तीसरा Q&A राउंड यानी क्वेश्चन एंड आंसर। आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेरीज के ऊपर हम जाएंगे। आप ही के कमेंट्स, आप ही के मैसेजेस में से मेरी टीम ने कुछ छांटे होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सर, लूप्स की पिच खराब हो जाती है कम फास्ट करने पर, हेल्प मी प्लीज। अच्छा, यहां हम गए फिर स्टूडियो में। हम क्या करते हैं, हम यहां से कोई भी एक साउंड ले लेते हैं। ये मैंने पकड़ा। कम फास्ट आप जब करते हो, या तो आप स्ट्रेचिंग करते हो या किसी और तरीके से। मैंने यहां से स्ट्रेच किया और इसे पकड़ के मैंने थोड़ा यूं कर दिया, कम कर दिया। तो जब भी मैं इसे कम या स्लो कर रहा हूँ, उसकी आवाज़, उसकी पिच में फ़र्क आ रहा है। तो आप पूछना चाहते हैं उसकी पिच किस तरह से मैं मेंटेन रखूँ। डबल क्लिक करें किसी भी सैंपल पे और यहाँ पर लिखा हुआ है पिच। ये तीन चीज़ें आपके सामने नॉब है, पहले नॉब को कीजिए राइट क्लिक, रीसेट। अब जब इसे रिस्ट्रेच करेंगे, कहीं भी पिच मेंटेन रहेगी। पिच मेंटेन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, कंडेंसर माइक्रोफोन 7000 के आसपास कौन सा लूँ? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे अलग अलग माइक्रोफोन हैं, लेकिन मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं आज तक इस बजट के अंदर, मुझे बेस्ट जो लगा वो था ऑडियो टेक्निका का 2020। हम यहाँ पर देख भी लेते हैं उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। 2020 बाय bajaj.com पे है ये इतने का, और Amazon पे है ये इतने का। तकरीबन वही 84, 85, 86, 8000 समथिंग, 9000 से कम का ही है। और आपका क्या प्राइस था? 7000। अच्छा, चलिए अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये ऊपर हो गया। लेकिन जहां आप 7000 खर्चने वाले हैं, मैं आपको बोलूँगा 8 तक जाइए। सैमसंग वगैरह के भी अच्छे हैं, सैमसंग के हो गए, और एक और भी कंपनी थी, मैं वो भूल गया हूँ, LA आई थिंक। लेकिन क्वालिटी वाइज, ओवरऑल डायनेमिक्स वाइज, और जो फाइनल आउटपुट आती है क्लैरिटी और बिल्कुल कम नॉइज़, इस सब में अगर देखा जाए तो ऑडियो टेक्निका AT2020 ये मुझे इस रेंज में बेस्ट माइक लगा आज तक कंडेंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मेरे पास लिनोवो का लैपटॉप है। अच्छा, उसमें विंडोज 10 है, उसमें कौन सा म्यूज़िक प्रोडक्शन का ऐप सही होगा, आप मुझे गाइड करें। ठीक है, लेनोवो का लैपटॉप बोलने की खास ज़रूरत नहीं है। मेनली कोई भी विंडोज 10, लेनोवो हो, डेल हो, वन इज़ द सेम थिंग, एसर हो, असूस हो। देखिए, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आप सिर्फ उसके अंदर लॉजिक नहीं चला सकते, क्योंकि लॉजिक प्रो मैक में होता है, एप्पल में। उसके अलावा आप उसके अंदर एबल्टन चला सकते हैं, एबल स्टूडियो चला सकते हैं, क्यूबेस चला सकते हैं, न्यूएंडो चला सकते हैं, रीजन हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप किसी भी एक म्यूज़िक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के साथ स्टिक कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, डिग डीप इनटू इट, 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल, दिल से दिन रात उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एक सॉफ्टवेयर को पकड़ लीजिए, कोई भी एक ऐप जो आपने पूछी है म्यूज़िक प्रोडक्शन का ऐप कौन सा सही होगा, सारे एग्जैक्टली सेम है, सेम क्षमता के हैं। तो किसी एक सॉफ्टवेयर को पकड़िए, बिल्कुल डीप उसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, आपको वोकल की कैसे पता लग गया इतनी जल्दी? अच्छा, ये किसी वीडियो के नीचे कोई कमेंट होगा आई थिंक, जिसमें मैंने शायद किसी वोकल की निकाल ली होगी। देखिए, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि वो बोलते हैं मैं की नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ। मैंने उसका एक लेक्चर बनाया कि हमिंग कीजिए और की निकालिए, कुछ लोगों को समझ आया, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें अभी भी दिक्कत आ रही है। वो डेफिनेटली दिक्कत आएगी, क्योंकि शुरुआत में बिगनर्स को की फाइंड करने में दिक्कत आती ही है। आप जहाँ पूछ रहे हैं कि मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाली, देखिए मेरी रोज़ी रोटी ही ये है। मेरी दिनचर्या बहुत सालों से क्या है, सुबह उठना, 5 बजे एक्सरसाइज कर ली, 6:30-7 बजे खाना खा लिया, 8-9 बजे मैं स्टूडियो पहुंच गया, उसके बाद रात तक बैठा हूं मैं कंप्यूटर के ही आगे। अगर मैं अपने स्टूडियो नहीं बैठा हूं, किसी और के स्टूडियो बैठा हूं जहां रिकॉर्डिंग चल रही है, किसी तीसरे के स्टूडियो बैठा हूं जहां मिक्सिंग या मास्टरिंग का कोई सेशन है, या कोई मीटिंग चल रही है किसी सीरियल को लेके, किसी मूवी के बैकग्राउंड को लेके, कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी के साथ, कहीं भी मैं किसी आर्टिस्ट के साथ कहीं भी बैठा हूं मैं, पूरा दिन बहुत सालों से मेरी दिनचर्या यही है, की फाइंड करना टेम्पो फाइंड करना। मेरी प्रैक्टिस जो मैंने इतने साल की, उसके अलावा जो मेरी रोज़ी रोटी है, उसमें भी रोज़ के रोज़ मैं एक की दो की निकालता ही रहता हूँ। इसलिए मेरी स्पीड आपसे बस
1-2% ज़्यादा है। सो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि उस बंदे ने मेरे से जल्दी की कैसे निकाल ली। बस प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात प्रैक्टिस कीजिए। आपको हमिंग ही करनी है, कोई भी आप सॉन्ग गुनगुनाएं। जैसे ये हुई, मेरे मन में एक हमिंग आई, टिंग, और मैंने जाके वहाँ पे किसी भी पियानो, किसी भी सिंथ में जाके मैंने टिंग फाइंड कर लिया, वो क्या है, डी शार्प है, सी शार्प है, ई है, व्हाटएवर। सो जब गाना चलता है, कोई भी ऑडियो चलती है, आप उसके साथ साथ हमिंग लेते हैं, उस हमिंग से आपको एक की फाइंड होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमिंग ही गलत कर रहे होते हैं, कोई एक हमिंग करता है डी शार्प पकड़ रहा है, दूसरा हमिंग कर रहा है वो एफ पकड़ रहा है, वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के ऊपर है। दिन रात प्रैक्टिस करते जाइए और आप भी बहुत जल्दी की फाइंड कर लेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर माय वॉइस इज गेटिंग वेरी लो इन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास एक बेसिक सेटअप है, एक सिंपल कोई एम ट्रैक, स्कारलेट Y2 इस तरह का, या बहरिंजर, कोई ऐसा एक बेसिक ऑडियो इंटरफेस होगा और माइक होगा। अगर वो भी नहीं है फिर डेफिनेटली आपको इशू तो आएगा ही वोकल वगैरह लो का। दूसरा, जब आपने इंटरफेस, पहली चीज़ इनपुट लेवल आपको चेक करना है, जहाँ आपने माइक लगा रखा है उस माइक का जो वॉल्यूम, जो इनपुट लेवल है, कहीं पर हमने कम रखा होता है उसे ज़्यादा कीजिए। इतना भी ज़्यादा नहीं कि मेरी साउंड क्लिप होने लग जाए। 90% आपके साउंड कार्ड के ऊपर वो ग्रीन या रेड में वो लाइट करेगा LED, और आपको दिखा देगा कि क्लिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, आपके प्रीएम्प के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो भी वो इनपुट ले रहा है वो किस लेवल पर ले रहा है। कई बार होता है प्रीएम्प भी अच्छा नहीं होता तो वो बहुत लो वॉल्यूम वगैरह रिकॉर्ड करता है। सो जो भी आपकी इशू वगैरह आ रहा है, आपको क्या करना है, मान लीजिए इतना कम आया है, डबल क्लिक किया, नॉर्मलाइज कर दिया, कुछ बड़ा हो गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, या फिर मैं यहाँ किसी नंबर में गया, वहाँ जाके मैंने कोई कंप्रेशन वगैरह ले लिया, कुछ भी लाउड कर लूँगा। लेकिन जब मैं इसे लाउड करूँगा, ऑब्वियसली इसके साथ फिर मेरा नॉइज़ भी साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरी आवाज़ थी और आसपास मेरा नॉइज़ था। कम को मैंने ज़्यादा तो कर दिया लेकिन साथ उसका नॉइज़ भी बढ़ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडिसन में जाके नॉइज़ रिमूव कर दूँगा, फिर वापस यहाँ लेके आऊँगा और मैं वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज़ कर लूँगा। इस तरह के हिट एंड ट्रायल मेथड आपको करने पड़ेंगे अगर आपकी इनपुट लेवल कम आ रहा है तो। नॉइज़ रिडक्शन वाला लेक्चर अलग से है एडिसन पे, वो जाके ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपका व्हाट्सएप नंबर, मिक्सिंग मास्टरिंग क्लासेस लेनी है। जी, मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, मैंने काफ़ी लेक्चर्स में पहले भी बताया है, और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, जितने भी आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप भी व्हाट्सएप यूज़ मत कीजिए। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, आई थिंक 7-8 साल पहले व्हाट्सएप जब भी आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने उस वक्त इंस्टॉल किया, 1-2 महीना चलाया भी, और मुझे यही लगा कि सिर्फ टाइम वेस्ट वगैरह, क्योंकि मैं ऑफिस में अलग अलग मशीन टू मशीन में जाया करता था, फ्लोर पे मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ देख रहा हूँ कि सारा दिन मैसेज आ रहे हैं, बेमतलब के मैसेज। आप आज भी अगर चेक करेंगे तो 99% जो मैसेज होते हैं वो बेमतलब के होते हैं। इस फोटो को शेयर कीजिए 10 लोगों के साथ, पैसे आएंगे, इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, सारा दिन ये चीज़ चल रही होगी। हमारे लिए काम की चीज़ है म्यूज़िक की बात करना, सुर क्या है, ताल क्या है, कौन सा नया सिंथ आ गया, उस सॉफ्टवेयर का नया अपडेट आ गया है, वो सॉफ्टवेयर मेरे सॉफ्टवेयर से तगड़ा है, कैसे है, उसके अंदर क्या चीज़ आ गई है, अच्छा नहीं सेम है, ये सब चीज़ें चलते रहना। अच्छा, कोई नया साउंड डिज़ाइन की टेक्निक आ गई है, अब आजकल वो मेलोडी सॉस बहुत चल रहा है, आप सब चेक कीजिए कि मेलोडी सॉस खुद बना देता है, ये वो, कितनी सारी चीज़ें। इसके अलावा मेरे पास 1 सेकंड का भी वक्त नहीं होना चाहिए कि मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को जोक्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, इस फोटो को 20 लोगों के साथ शेयर करें आज अच्छा होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता हूँ बहुत सालों से, और आप भी मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड के टाइम हेडफोन यूज़ करता हूँ तब मेरी ही वॉइस मुझे सुनाई देती है, फ्लो मेंटेन नहीं कर पाता। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, फेसबुक पे भी मैं काफ़ी लोगों को जवाब दिया है, और मैं लिख के जवाब देता हूँ तो पता नहीं उन्हें समझ आया या नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, अब तो मुझे ये भी देखना है, जब मैं बताने लगूंगा तो यहाँ से मैं माइक ऑन करूँगा, अच्छा माइक ऑन होगा ही नहीं, हाँ वो मैं देख रहा था, क्योंकि मेरा अलग सेटअप के ऊपर इस वक्त मैं बैठा हूँ, मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं एक कैफ़े में बैठा हूँ, तो मेरे पास साउंड कार्ड जो है वो उतना सपोर्टिंग नहीं है। तो जब आप मान लीजिए आप किसी भी एक चैनल में गए, 19, 20, 22 व्हाटएवर 17 में चले गए, और यहाँ से आपने माइक कॉल करवाते हैं, जब क्लिक करते हैं माइक ले लेते हैं, ठीक, तो आप देखेंगे जब आप यहाँ पर वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी वोकल रिकॉर्ड होती है, आपके कानों में भी फीडबैक आता रहता है, और कई बार होती है लेटेंसी, आपका जो साउंड कार्ड है वो कोई 50 ms, 60 ms, 100 ms इतनी ज़्यादा लेटेंसी दे रहा है, तो आपके कान में आवाज़ वापस आती रहती है, जिसकी वजह से आपका फ्लो ख़राब होता है, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा ही है कि मैं फ़्लो मेंटेन नहीं कर पाता। आपको क्या करना है, ये जो मेरा 17 नंबर है जिसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ, मैं वोकल रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
ये ग्रीन कलर की एक केबल लगी हुई है मेरे मास्टर के साथ, राइट। मुझे क्या करना है, इसको किया सिलेक्ट ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये जो तीर बना हुआ इसे कर दिया क्लिक। अब इसका मतलब मैंने क्या किया है कि मेरे 70 नंबर के चैनल में रिकॉर्ड तो हो रही है, आवाज़ यहाँ पर आ भी रही होगी जब आप रिकॉर्ड करके देख रहे होंगे, सब अभी ये लेक्चर के बाद चेक कीजिएगा, यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो रही होगी। लेकिन जो भी रिकॉर्ड हो रही है वो रियल टाइम में, मतलब उस दौरान जिस दौरान मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 17 नंबर से मास्टर में आउट नहीं दे रहा। मेरे कानों में, मेरे हेडफोन्स में, मेरे स्पीकर में क्या सुनाई देता है, जो फाइनल मेरे मास्टर में से पास हो रहा होता है। यहाँ चाहे जितना मर्जी बजता रहे, 100 लेयर, 100 में से 4 बंद कर दूंगा, 8 बंद कर दूंगा, जो मेरे मास्टर में फाइनल है वही मेरे को आउटपुट मेरे हेडफोन्स में आती है। तो मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम 17 नंबर के चैनल की मास्टर के साथ केबल ही निकाल दी, राइट। जब मैंने उसे हटा दिया है तो फिर मुझे ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मेरे कानों में वो फीडबैक नहीं आएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वापस रीरूट कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, तब आपको और समझ आएगा। सर रैप कैसे लिखें सर? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी पोइट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं कर रही। हाँ मैं भी करता हूँ, जब मेरे पास कोई एडवर्टीजमेंट आती है, जैसे अभी वो कोई एक जीन्स वगैरह की आई थी आजकल, वो शायद टाइगर श्रॉफ उसके ऊपर फीचर कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इंस्टा पे शायद मैंने शेयर की थी कभी, अब जहाँ भी चलो, उसके अंदर यही था कि देखो देखो क्या है कपड़े नीले रंग के, ना 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 ना, बड़ी बेसिक चीज़ है। लेकिन जब हम किसी के लिए ढंग का रैप कर रहे हैं या अपने लिए रैप कर रहे हैं, प्रॉपर रैप के दौरान आपको सही रैप लिखने की टेक्निक क्या है, आम जिंदगी में आप जो अपने आसपास देखते हैं उसको पोइट्री में उकेरी, आप रिदम एंड पोइट्री। जब आप पूरी पोइट्री लिख लेंगे, आप इस हिसाब से लिखिए, बड़ा बेसिक, जिस तरह से गज़लें लिखी जाती हैं, 8 रोज़ 8 कॉलम, 4 रोज़ 4 कॉलम, जितने वर्ड हैं उतनी ही मेरी लाइंस हैं, बिल्कुल स्केयर शेप में उसे लिखेंगे। उसके बाद उसे मीटर के ऊपर बिठा के देखिए सही आ रहा है, फिर आप बार बार उसे रिदम वगैरह चेंज करके देखिए, सही यही होगा कि बिल्कुल रियल चीज़ लिखिए। रैप में ये मत लिखिए देखो मेरे कपड़े हैं, मेरे जूते, वो भी चलता है, मैं भी कई बार करता हूँ क्लाइंट की डिमांड पे, लेकिन जो मैं दिल से रैप करता हूँ वही होती है कि एक स्टोरी चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा रैप करना मेरी ज़िंदगी, उसमें एक स्टोरी लाइन चल रही है। फिर मेरा एक रैप था, लिखता कविता सारी रात में घनी बरसात में होने की भी साथ पे, कुछ इस तरह से था वो, मैं नाम भूल गया हूँ। फिर एक था लोकी मैनू कहंदे ने पाजी तुसी कित्थे रहंदे ने, उसके अंदर भी पूरी एक स्टोरी चल रही है। क्योंकि अगर स्टोरी लाइन है, एक प्रॉपर एक चीज़ चलती जा रही है, मेरी रिदम और पोइट्री आपस में जुड़ी हुई है, तब सुनने वाला भी उसमें इंटरेस्ट लेगा। अगर आपका रैप बोर भी है, आपका पंच उतना अच्छा नहीं भी आता है, आपकी रैपिंग की आवाज़ रैपर जैसी नहीं है जैसे हम रैपरों वाली सुनते हैं, फिर भी कितनी इंटरेस्ट किस तरह से बने, आपकी पोइट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ तुकबंदी नहीं करनी कि देखो मेरे हाथ में है माउस कितना बड़ा मेरा हाउस, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अटैक और रिलीज़ के बारे में बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अटैक एंड रिलीज़। मैंने इसके ऊपर एनवेलप के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी हम यहाँ से, और आई थिंक मैंने 3x ऑसिलेटर पे ही बनाई थी, क्योंकि किसी के अंदर भी हम ले सकते हैं। जब हम यहाँ सेटिंग्स पे जाते हैं किसी के भी ऊपर, तो यहाँ पर ये ऑडियो का बना हुआ है, ये सेटिंग्स का बना हुआ है, ये बना हुआ है एनवेलप, इस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज़ है मेरे पास अटैक, एक चीज़ है मेरे पास रिलीज़। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, जैसे छेड़ूंगा ऑन हो जाता है। अटैक और रिलीज़ बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है। मैं कोई देख लेता हूँ, फ्रूटी कंप्रेसर, ये तो मेरा कंप्रेशन है, इफेक्ट है, थ्रेशोल्ड लगाऊंगा, रेशो बढ़ाऊंगा, गेन करूंगा। यहाँ पर भी हम देखें तो अटैक और रिलीज़ है। अटैक का मतलब है कोई भी इफेक्ट कितनी देर में आएगा, रिलीज़ का मतलब है कोई भी वो इफेक्ट कितनी देर में जाएगा। ये भी बोल सकते हैं कोई भी इफेक्ट कितना जल्दी आएगा और कितना जल्दी जाएगा। मैंने यहाँ पर कर दिया जी 50 ms, मतलब 50 मिलीसेकंड के बाद कंप्रेशन जो है शुरू होगा, समझ रहे हैं। तो मैंने ये 3x ऑसिलेटर ले लिया, यहाँ पर एक साउंड ली मैंने, इसका अटैक बढ़ा दिया, अब ये हूँ देख रहे हैं धीरे धीरे आ रहा है, अटैक थोड़ा कम कर देते हैं कि थोड़ा यहां से यहां जल्दी आ जाए, बिल्कुल जीरो एक झटके से आ जाएगा, अटैक जीरो है। सेम गोज फॉर रिलीज, रिलीज मैंने बढ़ा दी, साउंड वापस धीरे धीरे जा रही है। मैंने कहा नहीं धीरे धीरे ना जाए, एकदम झटके से जाए, रिलीज जीरो, बंद गया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, अटैक रिलीज। तो किसी भी इफेक्ट के अंदर, किसी भी सिंथेसाइजर के अंदर, हम यहाँ क्लिक करते हैं,
कोई भी मैं ले लेता हूँ, मैं लिया GMS, इसके अंदर हम देखेंगे अटैक, डिके, सस्टेन, रिलीज। आपने सिर्फ अटैक और रिलीज़ के बारे में पूछा है, कोई भी चीज़ कितनी लेट और जल्दी आती है, रिलीज़ कोई भी चीज़ कितनी लेट और जल्दी जाती है, प्रैक्टिस कीजिए और एनवेलप वाला लेक्चर मेरा ज़रूर चेक कीजिए। ADSR एनवेलप ऐसा कुछ उसका टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट यू हैव यूज्ड फॉर लोअरिंग द ऑक्टेव। ओके, इन्होंने किसी वीडियो में मैंने शायद यूज़ कर दिया होगा, बताना भूल गया। राइट क्लिक पियानो रोल, ठीक है। उन्होंने पूछा है आप सातवें ऑक्टेव पे हैं, आठवां जो भी है, इसको सात से आठ तक गए हैं, नीचे कैसे गए। मैंने कंट्रोल प्रेस किया है विंडोज़ वाले, और मैक के हैं तो कमांड प्रेस करेंगे। सिलेक्ट किया इसको, कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है नीचे वाली डायरेक्शन, सीधा नीचे चला गया छठवें ऑक्टेव पे, और नीचे किया पाँचवें ऑक्टेव पे, ऊपर की डायरेक्शन कंट्रोल प्रेस करके ऊपर ऊपर। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो एक एक नोट नीचे ऊपर जाएगा, देखो, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करूंगा तो पूरा पूरा ऑक्टेव नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है। बहुत आसान, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आज के लिए क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म। जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरी टीम ने सिलेक्ट किए, इनके मैंने जवाब दिए। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले किसी सेशन के अंदर जरूर शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये मेरा यूट्यूब है, youtube.com/devmusic, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बीट्स वगैरह जो भी है मैं यहाँ शेयर करता रहता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है, instagram.com/devnextlevel, ज़्यादातर मैं यहीं पर एक्टिव होता हूँ। अब मेरी जो भी नई नई कोई भी पोस्ट वगैरह है मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जो भी कोई मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है मैं यहाँ पर शेयर वगैरह करता रहता हूँ। लेकिन इसका इनबॉक्स जो है वो एकदम भर चुका है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फेसबुक पे। ये मेरा फेसबुक है, facebook.com/devnextlevel। लेकिन यहाँ भी नहीं, आपकी कोई भी म्यूज़िक रिलेटेड क्वेरी है तो आप दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के फेसबुक पेज पर अपनी क्वेरी भेजिए। ये मेरा साउंडक्लाउड है, soundcloud.com/devnextlevel, यहाँ पर आप मेरी साउंड्स वगैरह सुन सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव साइनिंग आउट, नमस्ते। तेरी रातों का मैं सबसे बड़ा नाइटमेयर, तुझको डर लगे के करना दूं मैं यही डेयर, कि कहीं पकना दूं मैं कैसे तेरे बनते थे वो गाने, चिंदी चिंदी रेट पे तू आता था रुलाने, कि भाई भाई बोल के तू आता इस बहाने, बीट बोल सब थे मेरे पर ये दुनिया तुझको जाने जा, तू ऐश कर ऐश कर, ये वक्त है तेरा कैश कर, ये वादा तुझसे मेरा तेरा नाम नहीं आएगा, भड़ास शब्दों से उगलता देव यही गाएगा, क्योंकि 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 रैप करना मेरी जिंदगी।